हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आज के एक नए ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत था। जी हाँ, मैं कल रुका था कारगिल, कल रुका था मैं कारगिल पे। ये बौद्ध धर्मशाला है, इसके अंदर रुका था, तीसरे माले पे रुका था। और हमारी साइकिलें यहाँ रखी थी, तो अभी हम सामान वगैरह पैक करके आज निकलेंगे आगे की तरफ, और आज से हमारी असली चढ़ाई शुरू होने वाली है। तो गाइज, अभी आए हैं हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। यहाँ पर रूम थे, रूम में नहाने के लिए आए थे, और अभी टॉवल सूख रहा है, नहा धो के फ्रेश हो गए। यहाँ से देखो कारगिल के घर इतने ऊपर ऊपर बनाए हुए हैं, और सारे एक ही कलर के दिख रहे हैं। ये देखो वहाँ से लेके ये वहाँ तक। तो गाइस, दिन के बजे अभी 1 बजने वाला है, और हम कारगिल से 12 बजे रवाना हुए, लेट रवाना हुए थे, क्योंकि सुबह उठे 9 बजे थे, और फिर तैयार हुए, नहाए धोए, खाना खाए, और अभी आगे चलने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि चढ़ाई अभी से शुरू हो गई चढ़ाई, और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। 5 किलोमीटर भी नहीं चले हैं आज, चलने का मन ही नहीं लग रहा है ऐसे, क्योंकि ऊपर थोड़ी गर्मी लग रही है और चढ़ाई भी ज़्यादा है। तो अभी ग्रोविटा खाते हैं। ये यहाँ पर होटल जैसे बन रहा है, इसमें ये देखो यहाँ की बजरी जो है ऐसी होती है, देखो पूरा मतलब चमकीली ऐसे, और ऊपर देखो सीमेंट की ईंटें यूज़ किया है, और छत ऐसे बनाई देखो लकड़े की, पहले लकड़े जमाए फिर उसके ऊपर ऐसे। ये देखो ज़्यादातर लोहे के पत्थर यूज़ करते हैं, और ऐसे देखो ये ऊपर बड़ी बड़ी ईंटें जमाई हुई ताकि पत्थर नहीं उड़े, और सामने ये ग्राउंड है, और ये नदी चल रही है, ड्रास रिवर है कौन सी पता नहीं, और सामने ये कारगिल शहर का नज़ारा है। ये देखो, ये देखो यहाँ की ईंटें ऐसी होती है, बहुत मजबूत है ये ईंटें। ये पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे राजा महाराजा की जो किला होता है ना, उसी तरह दिखता है। ये देखो। तो गाइस, आज की रात हम रुके हैं जंगल में। यहाँ पर हम 3 फ्रेंड है टोटल, लड़की वो तो पीछे है, वो हमारे साथ नहीं है, और यहाँ पर लगाई आग, बना रहे चावल, फिर खाएंगे। सुबह आपको लोकेशन दिखाऊंगा, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा। गाइस, ये बड़ा सा एक जंगल है, यहाँ पर हमने टेंट लगाया था। हम 3 लोग थे रात को, एक नहीं थी, वो लड़की पीछे ही है, तो हम 3 लोग थे। एक टेंट यहाँ लगाया है, मैंने यहाँ पर लगाया, और दूसरे भाई ने वहाँ पर लगाया, और यहाँ पर हमने रात को खाना वगैरह बनाया था। ये देखो पूरा सामान ऐसा का ऐसा पड़ा है, अभी अभी सब तैयार करते हैं इसको, 10 बजने वाले हैं अभी, देखो 10 बज गए, और करते हैं तैयार, निकलते हैं आगे के सफ़र में। ये देखो इतना बड़ा सा जंगल है, सामने की तरफ रोड जाता है, और इससे इस साइड में हमने टेंट लगाया था सामने की तरफ। यहाँ पर ये खाली मैदान था, यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन उस साइड लगाया क्योंकि अगर पानी की ज़रूरत पड़े ना, तो ये नाला देखो जा रहा है, शुद्ध ताज़ा पानी आ रहा है, इतना ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, तो यहाँ से बोतल वगैरह भर के सब बर्तन वगैरह जो भी धोने थे वो यहाँ पर धो लेते थे हम। और अभी हम मैगी बनाएंगे आगे वहाँ पर लकड़ी जला के। और ये देखो ऐसा है कुछ, पीछे की तरफ देखो बड़े बड़े पहाड़ है। जैसे हम आगे जा रहे थे सफ़र में, तो ये भैया मिले, ये केरला से आए हैं, ये इनकी साइकिल है, ये भी लद्दाख साइड जा रहे थे, बीच में देखे तो रुक गए। किसने देखना है, उसमें देखना है क्या? वन वीडियो के बजने वाले हैं 2, और अभी हम खा रहे हैं खाना यहाँ पर। तो गाइज, अभी हम खाना खाने के लिए यहाँ रुके थे जोगिंदर ढाबा, जो कि कारगिल और लेह के बीच में पड़ता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है कि मैंने सोचा कि अपने दोस्त के पास में कैश होगा, उसने सोचा कि मेरे पास कैश होगा, खाना खाने गए यहाँ पर तो दोनों के पास पैसे कैश में थे नहीं, तो सोचा कि गूगल पे वगैरह कर देंगे, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आता है, जितने भी सिम में कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है किसी का भी, तो अभी प्रॉब्लम में फंस गए यहाँ पर, 1 घंटे से बैठे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है,
किसी को बोले भी है कि नेट पे रखाएंगे तो हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, हमारा नंबर ले लो, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल रही है। यहाँ पर बैठे हैं अभी 1 घंटे से, देखते हैं क्या होता है आगे। गाइस अभी हम ढाबे से आगे आ गए हैं, उनको बोले कि हमारे पास कैश नहीं है तो हम आपका नंबर दे दो, आगे जाके जब नेटवर्क आएगा तब हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे। तो उन्होंने उनका नंबर दिया और हमारा नंबर उनको दे दिया है, तो आगे जाके हम नेटवर्क आएगा वहाँ पर जाके हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे। और अभी हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस अभी का हालत ऐसी हो गई है कि पहले तो हम 4 लोग थे, आज सुबह केरला का मिला था, तो एक लड़की तो पीछे रह गई है, वो अकेली है, और एक लड़का आगे चला गया है, केरला वाला मिला था उनके साथ, वो 2 लोग हो गए। अभी हम बचे हैं 2 लोग, ऑल इंडिया ट्रैवल वाले दोनों साथ में है, ओडिशा वाला और मैं राजस्थान का, दोनों साथ में यात्रा करेंगे। बाकी तो सब अलग हो गए हमसे, तो कोई बात नहीं, हमारा सफ़र शुरू रहेगा। तो गाइस दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं हम मूलबेक गांव से। ये यहाँ से हाईवे जाता है और इस साइड ये कोई कैफे वगैरह बना हुआ था, तो जो खाली पड़ा है मतलब कई सालों से, तो इसमें एक कमरा मतलब खाली ऐसे ही लगा हुआ था, लॉक नहीं लगा हुआ था, तो रात को इसके अंदर हम रुके थे, साइकिलें वगैरह इसके अंदर रख दिए थे। ये देखो यहाँ पर हम सोए थे बिना टेंट लगाए, और ये साइकिल अभी रेडी कर दिए आगे के सफ़र के लिए। अभी हम खड़े हैं मूलबेक गांव में और जा रहे हैं आगे, और इस गांव में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, हर जगह पर मोनेस्ट्री वगैरह बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ मोनेस्ट्री। ये देखो कुछ इस प्रकार होती है मोनेस्ट्री, इसके अंदर ये रहता है। तो गाइस अभी हम खड़े हैं 11,000 फीट ऊपर, और यहाँ पर ये बंजर पहाड़, रेतीले पहाड़ है, इतनी खतरनाक हवा चलती है रेत के साथ में कि पूछो मत, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। 11,000 फीट के ऊपर हम आ गए हैं अभी, और देखो कोई पेड़ पौधा एक छोटा सा इतना सा भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, पूरा बंजर ही बंजर है, और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी हम नमकीला पास के ऊपर जा रहे हैं जो कि 11,500 फीट से भी ऊपर है, तो अभी आगे हमारी चढ़ाई चालू होगी। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं ले में, और आज रुकने के लिए ये होटल में हमने रूम लिया था, और यहाँ पर रुकेंगे आज रात के, हालत ख़राब हो गई इतने। और अभी ये खाना लेके आए, दाल चावल 300 रुपये का खाना है। हेलो गाइस, ये लद्दाख है, बिल्कुल ठंडा मौसम है, आ जाओ एंजॉय करने के लिए। ये भाई साहब पूरा कहाँ से साइकिल चला के आया? मैं अहमदाबाद गुजरात से भाई साहब साइकिल पे, पूरा मस्त ठीक, पूरा साइकिल, हां दिव्या, पूरा साइकिल, क्या गजब की होटल है ये देखो। मेरा तो हालत खराब हो गया।